जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर में आर्मी के कर्नल और एक मेजर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के शहीद होने की दुखद खबर आ रही है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और उसके बाद जब मुठभेड़ जहां पर चल रही थी उस वक्त सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने गोली चला दी। वे सर्च ऑपरेशन जब चला रहे थे, भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि राजौरी में आज ही मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार जरूर गिराया। इसे राजौरी जिले के सुदूरवर्ती नारला गांव में 3 दिन से जारी अभियान के दौरान मारे गए आतंकियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, लेकिन सेना के 2 अधिकारियों की शहादत से पूरा देश गमजदा है। एक कर्नल और एक मेजर शहीद हुए हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी भी शहीद हुए हैं। एनकाउंटर स्थल पर जो तमाम सेना के बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं और इस बारे में और डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। एसबीआई रिसर्च ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है जो बता रही है कि पिछले 4 सालों में 5.2 करोड़ औपचारिक नौकरियां पैदा हुई हैं। खास बात यह है कि इनमें से 47% लोगों को पहली बार नौकरी मिली। एसबीआई रिसर्च ने ईपीएफओ और एनपीएस के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए ये रिपोर्ट जारी की है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों के पेरोल डेटा ट्रेंड के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2023 तक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.86 करोड़ की शुद्ध बढ़ोतरी इस पे हो गई है। चालू फाइनेंशियल ईयर में भी शानदार ट्रेंड बरकरार है। इस साल के पहले 3 महीनों में ही ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की संख्या शुद्ध रूप से 44 लाख तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसकी पहली तिमाही के दौरान यानी कि अप्रैल से जून 2023 के 3 महीनों में 19 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को नौकरियां मिली हैं जिन्होंने पहले काम नहीं किया, यानी कि पहली बार काम पर काम जिनको मिला है ये उनका डेटा है। और एसबीआई रिसर्च ये भी कह रही है कि अगर ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहता है तो इस फाइनेंशियल ईयर में एक शानदार ट्रेंड नौकरियों का देखने को मिलेगा। एसबीआई रिसर्च को उम्मीद है कि ये ट्रेंड बरकरार रहने पर इस फाइनेंशियल ईयर में 1.6 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। तो 5.2 और अगर प्रोजेक्टेड 1.6 को भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 6 करोड़ के पार चला जाता है जो अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान देखने को नहीं मिला है। पहली बार नौकरी पाने वालों की संख्या भी रिकॉर्ड 70-80 लाख की रेंज में रह सकती है। ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा जो फर्स्ट टाइम जिनको नौकरी मिली है। पिछले साल और उससे पहले के 3 साल यानी कि पिछले 4 साल के दौरान एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के नए सब्सक्राइबर्स की संख्या में करीब 31 लाख की बढ़ोतरी हुई है। साल 2022-23 के दौरान एनपीएस में 8.24 लाख सब्सक्राइबर जुड़े, उसमें सबसे ज्यादा 4.64 लाख का योगदान राज्य सरकारों का है। फिर राज्य सरकारों के बाद तकरीबन 2,30,000 के आसपास जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनका नंबर है इसमें एनपीएस में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें लगभग 1,30,000 नए सब्सक्राइबर्स का जुड़ाव हुआ है। अगर ईपीएफओ और एनपीएस के आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो पिछले 4 साल के दौरान जैसा हम बता रहे 5 करोड़ से ज्यादा, प्रिसाइजली 5.2 करोड़ यानी कि 5.20 करोड़ औपचारिक नौकरियां पैदा हुई हैं। ये औपचारिक हैं। ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि अब दोबारा या फिर से ज्वाइन करने वालों की संख्या कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब नौकरियां लोग कम बदल रहे हैं। पहले ये होता था कि बार बार नौकरियां बदलना, फिर से वर्कफोर्स का हिस्सा बनना, उनको कहा जाता था कि दोबारा इन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, लेकिन ऐसे लोगों का अब ट्रेंड जो है वो कम हो रहा है। तो इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लोग डर के मारे नौकरियां नहीं छोड़ रहे, इसका एक मतलब ये भी निकाला जाता है। और दूसरा ये भी निकाला जाता है कि लोग इतने खुश हैं अपनी नौकरी से कि वो नौकरी बदलना नहीं चाहते। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स में एक अच्छी बात जो उभरकर सामने आई है वो महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है और ये तकरीबन 27% हो गई है। तो ये एक वृहद डेटा हम लोगों के सामने एसबीआई रिसर्च का, जो कि ईपीएफओ और एनपीएस के ठोस डेटा के आधार पर है।
तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव और एक ठोस डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। अच्छी बात ये जो पिक्चर दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि 4 साल में अगर 5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हो रही हैं तो ये एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है, लेकिन रियलिटी क्या है इस पर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए हम चलते हैं खास मेहमान के पास। डीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के साथ। श्रीवास्तव सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ईपीएफओ और एनपीएस अब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और ठोस डेटा है एसबीआई रिसर्च के पास, आपको लग रहा है जो प्रेजेंट सिनारियो आप आसपास देख रहे हैं उस सिनारियो की सही पिक्चर एसबीआई रिसर्च के डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? सर ये डेटा बहुत इनकरेजिंग है और जैसा कि आपने कहा ये औपचारिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का है, यानी फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उसका है। अब ये जो अवधि है 4 साल की, इसमें कोविड का साल भी शामिल है और मुख्यतः जो रोज़गार में बढ़ोतरी हुई है फॉर्मल सेक्टर में वो पिछले 2 सालों में हुई है, जबकि इकॉनमी नॉर्मलाइज करना शुरू करी है, इसलिए ये ग्रोथ रेट और भी इम्प्रेसिव हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये औपचारिक क्षेत्र में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या जो इनफॉर्मल सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसमें किस तरह का रोज़गार का ट्रेंड है? तो और कॉम्प्रिहेंसिव अगर एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड को देखा जाए तो इस समय जो सीमित आंकड़े उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार लगभग 7.8 से 8% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडियन इकॉनमी में, यानी कि जो लोग वर्किंग एज के लोग हैं और जो जॉब सीक कर रहे हैं उनमें से 8% लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। वो उसमें से कुछ लोग जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय हो रहे हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग ट्रेंड है, और अगर इस आंकड़े को ग्रोथ के आंकड़े के साथ रख कर देखा जाए तो पिछले साल और इस साल का जो पहली तिमाही का जो ग्रोथ का आंकड़ा है उसमें मिलाकर ये देखने से लगता है कि जो एक इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा सा था, जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर है, उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्षेत्र अंश है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें जो अगर प्री कोविड ईयर से कंपेयर करें तो अभी भी हम लोग थोड़ा नेगेटिव में चल रहे हैं, कम से कम पहली तिमाही को करस्पॉन्डिंग तिमाही से अगर कंपेयर करें तो जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं उनमें अभी एम्प्लॉयमेंट का बढ़ने का ट्रेंड जो है वो देखना बाकी है, और कोशिश ये रहेगी नीति बनाने वालों की कि ये जो ग्रोथ हो रही है इसको ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड बनाया जाए। और ब्रॉड बेस्ड बनने पर औपचारिक क्षेत्र में भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दोनों में एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो ये देश के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा उस पर भी आऊँगा कि एक हेल्दी, एक स्वस्थ नौकरियों को जनरेट करने का आधार जीडीपी के टर्म्स में क्या हो सकता है, लेकिन अभी मैं मौजूदा डेटा ही देखूं और 4 साल के इन फॉर्मल सेक्टर में 4 साल में 5.2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखूं तो ये प्री कोविड बहुत बड़ी बहस चली थी इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट पर, और ठीक 2019 के ठीक चुनाव से पहले बाकायदा लेबर मिनिस्ट्री का डेटा आया था, 45 साल के हाई पर था उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट। शुरुआत में तो सरकार ने इस डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दोबारा जब सरकार में आ गए तो फिर बाकायदा इसी रूप में एक्सेप्ट भी किया। तो आपको लग रहा है सर कि उस परिस्थिति से अब परिस्थितियां भिन्न हो रही हैं पॉजिटिव दिशा में, या चुनौतियां अभी बरकरार हैं? सर नहीं, ये तो साफ है कि परिस्थितियां भिन्न हो रही हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन में इकॉनमी को ले जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के साल में आप देखिएगा जो फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग स्टैग्नेट किया है या थोड़ा सा गिरा है, उसके बाद जो 5.2 का ज़्यादा हिस्सा है वो पिछले 2 साल में बढ़ा है, यानी कि बढ़ने की गति काफ़ी अच्छी है और इसलिए ये हेल्दी ट्रेंड कहलाएगा। एक तरह से देखिए तो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर का ये डेटा काफ़ी रिलायबल सोर्स का है और इस पर विश्वास किया जा सकता है, और अगर इकॉनमी में फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, और जैसा कि आपने कहा था कि लोग जो है अपनी नौकरियों में स्थिर है और स्टेबल हैं, यानी कि ज़्यादातर नौकरियां बदल नहीं रहे हैं,
इसका मतलब है फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ रहा है और स्टेबिलाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो ये दो जो है अच्छे डायरेक्शन के चेंजेस हैं। अब कोशिश बस यही होनी चाहिए कि हम लोग अच्छी समृद्धि दर को सस्टेनेबल रूप से बरकरार रखें जी। और इसमें अभी थोड़ी और रिकवरी बाकी है, जैसा कि एक सेक्टर का मैंने जिक्र किया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी पहली तिमाही में ग्रोथ काफ़ी सीमित थी, 4% के आसपास, इसलिए अभी उसको भी बढ़ाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अब मैं ज़रा जो सरकारी और गैर सरकारी जो अनुमान हैं उनके डेटा पर जाऊंगा और उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे सर, और ख़ास तौर से फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर। ये SBI का डेटा हमारे सामने ये पिक्चर रख रहा है। CMI का डेटा जो काफ़ी एक तरह से क्रिटिकल रहता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और अपनी उसकी स्टडी रहती हैं, वो भी कह रहा है कि अप्रैल के मुकाबले मई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, 8% से घटकर वो 7.8% के आसपास आया है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि इसका मतलब ये है कि कम लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उनके पास या तो कोई रोजगार है या फिर नौकरी है। तो ये गैर सरकारी डेटा बनाम हमारे पास ये पिक्चर प्रथम तिमाही की खास तौर से, और अभी SBI प्रोजेक्ट कर रहा है कि अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा बचे हुए इस वित्त वर्ष में जनरेट होंगी, तो आप इन दोनों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं सर? हाँ, अगर ये जो नई जॉब क्रिएशंस होंगी ये रिक्वायर करती हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं उनके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एडुकेशन का स्तर होना चाहिए, तभी वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो इन आंकड़ों से साबित हो रही हैं उनको अवेल कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो जो गैर औपचारिक सेक्टर है उसमें बहुधा जो लोग पूरी तरह से स्किल्ड नहीं है और इनफॉर्मल सेक्टर में या एग्रीकल्चर में जॉब ढूंढते हैं तो वहीं एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है। तो एक तो बैलेंस चाहिए जो कि हमारी ग्रोथ के सेक्टर्स हैं उनमें, और दूसरा जो है एक बढ़ोतरी चाहिए स्किलिंग और एडुकेशन के लिए जो नए जॉब सीकर्स आ रहे हैं मार्केट में उनके लिए। एक शुरू में आपने ये भी कहा था कि जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव है वो भी थोड़ा पॉजिटिव पिक्चर को दिखला रहा है, और इनफैक्ट 27-28% जो है वो अच्छा है, क्योंकि औसतन पिछले सालों में 25% तक ही रहा फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन। तो इसमें बहुत इंडिया में लॉन्ग टर्म स्टोरी में काफ़ी यह संभावना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा करके, अभी तो 27-28% है, इसको बढ़ा करके 40-45% तक ले जाना चाहिए, तब जा करके एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट जो है वो और ग्रोथ को बढ़ाने वाला होगा। बिल्कुल सर। एक मेरा आखिरी सवाल सर, ओवरऑल जो इस सरकार के बारे में जो विमर्श होता है नौकरियों के बारे में, वो ये होता है कि सरकार ने निवेश के मोर्चे पर कैपिटल इंटेंसिव स्कीम्स लाई हैं, जैसे कि PLI है, जबकि आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए लेबर इंटेंसिव कामों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग पर भी सरकार का फोकस रहा लेकिन उतनी संभवतः सफलता अभी नहीं मिली। तो इस आलोचना को आप मौजूदा परिदृश्य में कैसे देखते हैं? क्या वाकई में एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हम कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हैं, लेबर इंटेंसिव कम है, या आपको लगता है जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो काम किया जा रहा है, वो दूरगामी परिणाम हमें एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में देंगे, या चुनौती है सर वहाँ भी? इसमें इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक तो ये बात सही है कि सरकार काफ़ी जोर दे रही है नई टेक्नोलॉजी पर, जो कि कैपिटल इंटेंसिव होती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी कैपिटल इंटेंसिव होता है। जॉब्स सीमित क्रिएट होते हैं और जॉब्स हाई स्किल्स भी मांगते हैं अगर वो हाई न्यू टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में है, तो उसके कारण जॉब्स कम क्रिएट होते हैं। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि एक्चुअली जो ग्रोथ हो रही है वो सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा हो रही है बजाय इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के। तो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो दोनों तरह का है, उसमें जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है वो भी एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, और जो लोग फॉर्मल सेक्टर में है उनको भी नई जॉब्स मिलती हैं। वो जो ये सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और नई टेक्नोलॉजी का फोकस है उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करता है,
और मेरे संबंध में ये बैलेंस जिस तरह से बना रहे, जिस तरह से नई पॉलिसी जो है वो सर्विस सेक्टर को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, सबको बढ़ावा दे रही है, उस हालत में शायद ये संभावना ज़रूर उठेगी कि हम लोग दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मसले पर अपना विश्लेषण दिया। ये ध्यान रखना होगा कि एसबीआई रिसर्च की ये रिपोर्ट, चुनाव आने वाले हैं और उस साल में आई है, और 4 साल में 5.2 फॉर्मल जॉब जनरेशन, ये काफ़ी इनकरेजिंग डेटा न सिर्फ इकॉनमी के लिए बल्कि मौजूदा सरकार के लिए भी हो सकता है। इसमें अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब के डेटा भी देने में कामयाब रहे तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने वादा किया था 2 करोड़ रोज़गार प्रति साल, मुझे लगता है उसके आसपास का ये कहीं समीकरण बैठता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल, हमने इसके राजनीतिक पक्ष नहीं बल्कि आर्थिक और जो मौजूदा परिदृश्य है एम्प्लॉयमेंट का, उस पर बातचीत की सर से। बहुत बहुत धन्यवाद डी के श्रीवास्तव सर वक्त निकालने के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, चीन हमेशा कुछ ना कुछ छुपाता रहता है, ये उसके बारे में कहा जाता है। अपने देश के अंदर की बातें बाकी दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए चीन इंटरनेट तक पर शिकंजा कस लेता है। इसके चलते दुनिया भर में पॉपुलर होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चीन के अंदर दिखाई नहीं देते, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। कोरोना महामारी रही हो या फिर बेरोजगारी से लेकर जनसंख्या तक के आंकड़े, या फिर अर्थव्यवस्था के लगातार धीमा होना, और या फिर गाहे बगाहे वहां की सरकार के खिलाफ उठ रहे विरोध के स्वर हों, चीन ने कभी भी अपने यहां की सही बात दुनिया के सामने नहीं आने दी। अब चीन के मंत्री एक के बाद एक लापता हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, उन्हें लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। अब चीन कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि ये वाकई में डिसअपीयर हुए हैं, कहीं जाके छिप गए हैं, इनको छिपाया गया है, नजरबंद कर दिया गया है, या मसला कुछ और है। लेकिन बात यह है कि कई दिनों से वहां के 2 बड़े लीडर्स दिखाई नहीं दिए हैं, गायब हैं, और चीन उन्हें लेकर कुछ कह नहीं रहा है। आपको याद होगा पहले कुछ दिनों पहले चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग लापता हो गए थे, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं। आनंद फानन में विदेश मंत्री भी बदल दिए गए। अब चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भी लापता हो गए हैं। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त 2023 को देखा गया था, वो भी चीन अफ्रीका शांति सुरक्षा फोरम में। यहां पर बाकायदा शांगफू ने फोरम को संबोधित भी किया था, लेकिन इसके बाद से ही ली शांगफू की कोई खबर नहीं है। यानी पहले विदेश मंत्री किंग गैंग लापता हुए, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं, अब रक्षा मंत्री ली शांगफू भी गायब हो गए। सोचिए कि किसी देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री गायब हो, वो दिखाई ना दे रहे हो, और उस देश में सब कुछ सामान्य चल रहा हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये शी जिनपिंग का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। चीन ने रक्षा मंत्री के गायब होने के बाद अब वही तरीका अपनाया जो पहले से अपनाता रहा है, यानी इस मामले पर भी उसने चुप्पी साध ली है। बात बाहर कैसे आई? जापान में अमेरिकी राजदूत रेम इमैनुअल ने ली शांगफू के गायब होने को लेकर एक एक्स पोस्ट किया, जैसे ट्विटर कहा जाता था पहले, तो जब वहां पर उन्होंने ये पोस्ट किया तो फिर दुनिया को पता चला। दुनिया चीन के रक्षा मंत्री के गायब होने का जब उसको पता चला तो फिर इसमें अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। अमेरिकी राजदूत रेम इमैनुअल ने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछले 2 हफ्ते से चीन के रक्षा मंत्री देखे नहीं जा रहे हैं, बेरोजगारी की इस रेस को कौन जीतने जा रहा है, चीन का युवा या फिर शी जिनपिंग की कैबिनेट। वहां पर कहा यह जा रहा है, उनका संदर्भ यह था कि वहां के युवाओं और जो पुराने जो कैबिनेट के लोग हैं उन पर एक अविश्वास का माहौल है और वो गाये बगाये सामने आते रहता है। ग्लोबल टाइम्स, जो जिसको चीन का मुखपत्र भी कहा जाता है, कई तरह के लेख लिख रहा है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने के लिए आतुर रहने वाला चीन का मीडिया अपने रक्षा मंत्री के गायब होने पर चुप्पी साधा हुआ है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इस मामले पर चीन का मीडिया क्यों म्यूट है, इस पर भी हर कोई हैरान तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये रवैया एक्सपेक्टेड है, लेकिन हर कोई पूछ रहा है कि ये दोनों मंत्री गए तो गए कहाँ। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री ली शांगफू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रक्षा मंत्री बनने से पहले शांगफू दरअसल सैन्य उपकरण विकास विभाग है, उसमें मंत्री थे,
और उस दौरान जब फाइल टटोली गई कि उस दौरान क्या कुछ अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया गया, तो कहा यह जा रहा है कि कथित तौर पर उसमें शांगफू का नाम आया और ली शांगफू के खिलाफ सैन्य उपकरण विकास विभाग में जांच भी चल रही थी। इस विभागीय जांच में ली शांगफू को नियम तोड़ने का आरोपी पाया गया था, हालांकि सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि कभी की नहीं गई। अब वो गायब है, चीन से कई बड़े नेता रातों रात गायब हो गए हैं, कुछ तो लौट आते हैं जैसे कि जैक मा, लेकिन कुछ लंबे वक्त तक लापता रहते हैं। अभी वहां पर जो उनके दो बड़े शीर्ष कमांडर्स हैं वो भी गायब हुए, और इसका जिक्र भी जो जापान में अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने इसका जिक्र किया था कि दो दो उनके कमांडर्स गायब हो गए, दो दो उनके मिनिस्टर्स गायब हो गए, और उसके बाद दुनिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं। चीन की सरकार के खिलाफ कहा जाता है कि जो आवाज़ उठाता है वो गायब हो जाता है। इसमें चीन के नेता हों, वहाँ के कलाकार हों, मशहूर हस्तियाँ हों, बड़े अधिकारी हों, मीडिया मुगल हों, कोई भी हो, उनके लापता होने का इतिहास बड़ा लंबा है। लेकिन थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, 2016-17 में आपको लिए चलते हैं और वहाँ से लेकर अब तक के गायब बड़ी बड़ी हस्तियों की लिस्ट बताते हैं। 2017 में अरबपति फाइनेंशियर थे जियो जियान हुआ, ये गायब हो गए, ये हांगकांग से गायब हो गए थे अचानक से। फिर साल 2018 में इंटरपोल के पूर्व चीनी प्रमुख, ये मैंग होंगवेई इनका नाम था, ये गायब हो गए 2018 में। फिर अक्टूबर 2020 में चीन के बड़े बिजनेसमैन जैक मा गायब हुए, लंबे समय तक उनके गायब रहने की बातें चलती रही, तरह तरह की बातें हुई। जैक मा बड़े आदमी हैं, ग्लोबल एक्सपोजर के आदमी थे, तो बड़ी सुर्खियां इस गायब होने की खबर ने बटोरी, हालांकि बाद में वो लौट आए। चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के बारे में भी सब जानते हैं, साल 2021 में वो कैसे गायब हो गई थी अचानक, एक सनसनी, एक स्टार, और उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं। यहाँ के लोकल सोशल मीडिया पर या वहां के लोकल सर्च इंजिन्स पर अगर आप सर्च करेंगे तो उसके बारे में आएगा भी नहीं। ये गायब होना भी बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, ऐसा नहीं कि कोई आदमी सिर्फ शरीर से गायब हो गया, उनकी डिजिटल आइडेंटिटी, उनकी वर्चुअल आइडेंटिटी, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, सब कुछ गायब कर दी जाती है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है किसी को गायब करने का कैसे किया जाता है। ये चीन जानता है बड़ा बखूबी कि सिर्फ शरीर के रूप से गायब मत करो, बल्कि पूरी की पूरी डिजिटल वर्ल्ड से, वर्चुअल वर्ल्ड से एक एक आइडेंटिटी, एक एक डेटा गायब कर दो। इसे कहते हैं चीन में गायब होना। 15 दिन बाद हालांकि पेंग की वापसी हुई थी इस साल, अब थोड़ा सा वापस आ जाइए। इन्वेस्टमेंट बैंकर बाओ फैन गायब हो गए थे, चीन के विदेश मंत्री किंग गैन भी इसी साल लापता हो गए, इनका अब तक पता नहीं चल पा रहा। जो हमने आपको बताया चीन के जितने भी लोग गायब हुए हैं, एक बात कॉमन ये है कि इन सभी ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे दिया था, ये कहा जाता है, कोई ना कोई बयान दे दिया था और उसके बाद गायब। गायब हुए कई सेलिब्रिटीज वापस आए, तो कुछ को जेल भेज दिया गया। चीन की जनता के बीच ये बात आम है कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे गायब कर दिया जाता है। चीन एक आक्रामक देश के रूप में जाना जाता है अपने विरोधियों के खिलाफ, खासतौर से घर में बात को दबाने के लिए वो कुख्यात रहा है। यहाँ के लोगों को ना तो कहा जाता है कि अपने मुद्दे पर बात वो रख सकते हैं, ना ही सत्ता का विरोध कर सकते हैं। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, चोरी, सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर यहाँ के नेताओं और अधिकारियों को गायब कर दिया जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते हैं उनके ऐसे नेताओं की लिस्ट में चीन के रक्षा मंत्री का नाम अब लेटेस्ट तौर पर जुड़ चुका है। ये एक पक्ष है, उसके दूसरा अगर आप चाइनीज पक्ष को देखेंगे तो चाइना में यह भी कहा जाता है कि साहब वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अभी वहां पर जो वहां के रक्षा मंत्री के गायब होने की कहानी उभर कर सामने आई, उसमें वहां की जो अंदर से खबरें आई वो ये भी आई कि वहां पर एक क्रैकडाउन चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत। और क्योंकि वहां के विदेश मंत्री का नाम भ्रष्टाचार में आया था, तो एक पक्ष ये भी है कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और उनको अगर उसके लिए किसी को गायब करना हो या किसी को आइसोलेट करना हो, अगर वहाँ की भाषा में बात करें, किसी को आइसोलेट करना हो या फिर नज़रबंदी या जो भी आप कहें उस तरह की अगर कड़े कदम उठाने हो, तो उससे भी वो परहेज़ नहीं करते। बहरहाल ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि चीन में लोग गायब हो जाते हैं, वहाँ की सरकार बड़ी तानाशाह है या फिर डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पर लोगों की भलाई के लिए उनको किनारे कर दिया जाता है। ये इस पर कन्फ्यूजन तब तक बना रहेगा जब तक वहाँ पर मीडिया में
खबरें जो हैं वो छनकर सही रूप में बाहर ना आए। अब थोड़ा सा इसीलिए हम बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास अनुभवी पूर्व राजनयिक विदेश मामलों के बहुत बड़े जानकार देश के एसडी मुनि सर जुड़ चुके हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि चीन में ये चल क्या रहा है, इसके क्या पक्ष हैं। मुनि सर, गुड इवनिंग। कुछ आप अगर दृष्टिपात कर पाएं सर कि चीन में ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक नेताओं का गायब होना, ये एक्सपेक्टेड है सर, ये नॉर्मल है वहां पर, या कुछ इसमें आपको अचरज में डालता है, अचंभित करता है? ये देखिए, आपने पूरी कहानी अच्छी तरह से बता दी है और जो बैकग्राउंड है वो भी दिया है, लेकिन आप याद रखें कि ये सब गायब होना शुरू हुआ है जब से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए हैं 2013 से, और शुरू में ही करप्शन के नाम पे ढेर सारी तब्दीलियां वहां की फौज में हुई, क्योंकि ये कहा गया कि फौज में बहुत बड़ा करप्शन है। लेकिन एक ही एक कारण लगाते हैं कि सिर्फ करप्शन का कारण है, जो समझ में नहीं आता। अभी कुछ महीनों पहले हमने देखा कि वहां की जो पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें से हु जिनटाओ, जो पुराने प्रेसिडेंट हैं, उनको हाथ पकड़ के निकाल दिया गया बाहर। अब वो तो करप्शन का मामला नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि करप्शन की बात होगी वहां पर जरूर, क्योंकि करीब 350 बिलियन का उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है और उसमें इतना सारा पैसा है जो, और इनपे भी जो डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू है उन पे आरोप ये लगाया गया कि प्रोक्योरमेंट जो होता है डिफेंस का उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो करप्शन भी होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि शी जिनपिंग के खिलाफ जो भी आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है, और उसमें बहुत सारे जैसा आपने बताया है, बहुत सारे नाम, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, प्राइवेट लोग भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। अगर ऐसे सब इकट्ठा होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए राजनीति में इन लोगों को वहां से कोई ना कोई आरोप लगाकर, कोई बहाना बनाकर उनको गायब करते हैं। गायब करने में हो सकता है उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, पकड़ के अंदर रख दिया जा रहा है, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। ये तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है चाइना का, उसमें पता नहीं लग सकता है हम लोगों को, और बाद में पता लगता है अगर कोई जिंदा रहे तो। जैसे एक बिजनेसमैन बाद में अवतरित होके आ गए गायब होने के बाद भी, तो ये एक वहां की व्यवस्था ऐसी है जिसमें न कोई बोल सकता है, और इसीलिए वहां का सोशल मीडिया अगर हम फॉलो करें तो बहुत सारी बातें उसमें से उभर कर आती है। लेकिन दूसरी बात जो स्पष्ट है करप्शन के साथ साथ, वो ये है कि पॉलिटिकल ओपोजिशन प्रेसिडेंट शी का है और वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यही वजह थी कि वो G20 में नहीं आए, वो इतने बड़े फोरम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ इंडिया को स्नब करने का एफर्ट नहीं था, मैं समझता हूँ उनकी मजबूरी थी, उनको वहां रहना था क्योंकि अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है पार्टी में भी और देश में भी। इकोनॉमी उनकी डाउन हो रही है, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको फेस करना था। हमारे यहाँ भी नहीं आए, वो इंडोनेशिया भी नहीं गए जो ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग हो रही थी, आसियान के साथ उनके इतने बड़े संबंध है, तो जो उनका एक्सटर्नल बिहेवियर है वो भी ये सजेस्ट करता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने अपने घर के फ्रंट पे है, डोमेस्टिक फ्रंट पे है, और इसीलिए वो वहां पर उलझे हुए हैं। लेकिन इसको सिर्फ करप्शन के नाम से मैं समझता हूँ नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल सर, जानना चाहिए कि वहाँ पॉलिटिकल टर्बुलेंस हो रहा है। अब सर इस पे दो चीज अगर हम डॉट को कनेक्ट करें, एक अगर हम सिर्फ रिसेंटली बाकी छोड़ दें, उनके दो जो उनके सेना के बड़े कमांडर्स हैं, उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, अब इन्हें जो वॉरफेयर या जो एटीट्यूड है, ऑफेंसिव एटीट्यूड है, उनके ये चार बड़े पिलर्स कहे जाते हैं वहां पर, उनके विदेश मंत्री जो कि पूरी विदेश नीति तय कर रहे थे, रक्षा मंत्री और उनके दो कमांडर्स, अब इन सबको हटा देना, क्या जो शी जिनपिंग और जो चाइना पूरी दुनिया को दिख रहा है कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, वो कभी भी इंडिया में हमारे लद्दाख और अरुणाचल वाले रीजन में कुछ ना कुछ एग्रेशन दिखा सकता है, इधर उत्तराखंड तक, शी जिनपिंग जब होते हैं तो ऐसे दिखता है, तो अगर वो इनको हटा रहे हैं तो क्या हम ये माने कि शी जिनपिंग जो एग्रेशन दिखाना चाहते हैं वो तबाह कर देंगे दुनिया को, एग्रेशन दिखाएंगे, और वहां के अंदर का सेंटिमेंट कुछ अलग है, ये विरोधाभास क्या दिखता है सर?
ये देखिए, इसको ली शेंग फू को जो हटाया है, ऐसा कहा जाता है कि उनको हटाने से 2-4 रोज पहले उन्होंने ताइवान पे एक बयान दिया था, और ये इनको हटाने के बाद में शी जिनपिंग ने खुद जाकर आर्मी के सामने स्टेटमेंट्स दिए और कहा है कि फौज में स्टेबिलिटी चाहिए। आप हाँ क्यों कहेंगे फौज में स्टेबिलिटी चाहिए अगर वहां इंटरनल कलह कलह नहीं हो रहा हो तो इसीलिए। और ये फौज राजनीति की एक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहां पे लोग लामबंद हो रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से अलायंसेस हो रहे होंगे, और शी जिनपिंग शायद ये डर रहे होंगे कि इस तरह की इक्वेशंस अगर बढ़ती है। हालांकि एट प्रेजेंट अभी उनका पॉलिट ब्यूरो में मेजोरिटी है और पार्टी में उनको जो संस्था है पार्टी की उससे उनको कोई चैलेंज नहीं आ रहा, लेकिन एक एक करके लोग अगर खड़े हो रहे हैं तो उनको ये डर लगेगा कि अगर इनकी आवाज बंद नहीं की जाए, इनको यहाँ से नहीं हटाया जाए तो उनका ओपोजिशन बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से एक एक डिफेंसिव पोस्चर भी है जिसमें जहां से भी डिसेंट आती है उस डिसेंट को बंद करना चाहिए, नहीं तो पॉलिटिकल ओपोजिशन बढ़ेगा उनका। तो ये एक कारण है, और वो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उसने ऐसा बयान दे दिया जो नहीं देना चाहिए, उसने करप्शन कर दिया, लेकिन मोस्टली करप्शन के अलावा कोई और बड़ी बात तो कही नहीं जा रही किसी के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर मेरा, शी जिनपिंग क्या चाह रहे हैं और उनके जो हटाए गए जो मंत्री हैं वो क्या चाह रहे थे, खास तौर से एग्रेशन को लेकर? देखिए, आंतरिक रूप में तो वो पूरी तरह से अभी बुरी तरह से कोविड के बाद से कोलैप्स्ड हैं। उनका रियल स्टेट मार्केट जब टूटा है, बड़ा शेयर था उसका जीडीपी में, वो कोलैप्स्ड है। वहां पर डीफ्लेशन की स्थिति है, दुनिया भर में वो सस्ता सस्ता माल डंप कर रहे हैं, वो उनका समझ में आ रहा है। लेकिन ताइवान पर या भारत के खिलाफ एग्रेशन पे ये शी जिनपिंग इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको वहां के लोग रोकना चाह रहे हैं उनको, या फिर लोग चाह रहे हैं कि वो कुछ करें, कुछ मस्कुलर अप्रोच दिखाएं और शी जिनपिंग नहीं चाह रहे हैं? क्या है सर वहां पर? मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक या दो पॉलिसीज का सवाल नहीं है, ये पूरी गवर्नेंस का सवाल है। और दो तीन आरोप जो शी जिनपिंग के लग रहे हैं, एक तो ये कि वो किसी की आवाज उठने नहीं देते, उनको बिल्कुल बंद कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए हैं। अभी आपने कोविड का नाम लिया, वो कोविड की इस स्थिति को भी ठीक से नहीं संभाल पाए थे, और इसीलिए पॉलिटिकली वो उनको ये भी कहा जा रहा था कि आपने विदेश नीति ऐसी चलाई है जिसमें लगातार चीन आइसोलेट हो रहा है। अगर वो देखें एशियन कंट्रीज को और दूसरे कंट्रीज की तरफ, तो चीन आइसोलेट हो रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी पे आप आइसोलेट हो रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी ठीक नहीं चल रही, हेल्थ के मामले पे आपने ठीक नहीं किया, तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। और ये सवाल उठा रहे हैं जिसको वो नहीं सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल उसका कोर फैक्टर है, खाली पॉलिसीज उसके माने में नहीं है। और उस पॉलिसीज को लेके देखिए, हमेशा जब भी किसी पार्टी में किसी भी सत्ता में अंदर से खलबली मचती है तो नाम तो नीतियों का लिया जाता है, लेकिन एक राजनीतिक समय देखिए, शी जिनपिंग पिछले 11 साल से वहां राज कर रहे हैं और बहुत सख्ती से राज कर रहे हैं, तो लोग परेशान है। जो हमने आपने नाम लिए फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का, वो शी जिनपिंग के ही तो अपॉइंटेड थे। अगर उन्हीं के अपॉइंटेड थे तो उनको क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि उनकी भी अपनी राय शी जिनपिंग के बारे में बदल रही है, और इसीलिए वो सीधा डायरेक्टली फौज को भी एड्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इंटरनल पावर स्ट्रगल की शुरुआत या उसके इंडिकेशंस हैं बाहर। कितना एब्सोल्युटली डीप है ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ये कितना डीप है ये कहना मुश्किल, लेकिन शी जिनपिंग के लिए एक बड़ा संकेत, और उस संकेत के जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो शी जिनपिंग के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। जैसा कि वहाँ की इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो बड़ा रेयर देखने को मिलता है, लेकिन वो आ गया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर जो पूरी दुनिया में साख का बट्टा लगा है कोविड के बाद चीन का, उसके लिए उनको जिम्मेदार माना जा रहा है। और BRI से अब G7 का इटली छिटक गया। जी जी सर, कुछ कह रहे हैं सर? नहीं, मैंने कहा BRI का अंदर से सीरियस क्रिटिसिज्म हो रहा है, एब्सोल्युटली इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया जिसके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल। और लोन जो अब बढ़ा रिटर्न गया उससे लोग नाराज हो रहे हैं, कंट्रीज बिल्कुल। नाराज हो रहे हैं।
और अब रिटर्न आना था, लगभग एक दशक हो गया, अब रिटर्न आना था और जिस समय रिटर्न आने चाहिए थे उस समय लोग छिटक रहे हैं, बिल्कुल। और इटली जैसे देश बाहर हो रहे हैं, बाकी देश उस पर एक दोबारा से मंथन कर रहे हैं, तो कुल मिला के एक फेल नेता के रूप में शी जिनपिंग अब देखे जा रहे हैं चीन में, लेकिन शी जिनपिंग मान नहीं रहे हैं, ये है बात। और वो जो जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है या उनको लग रहा है कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो दबा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, विश्लेषण दिया, थैंक यू। बिलिंग से जुड़ी हुई शिकायतों को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्वालिटी ऑफ सर्विस पर नियम जारी किए हैं। नियम में बिलिंग के तरीके और प्रक्रिया का ऑडिट करना अनिवार्य बनाया गया है। टेलीकॉम कंपनी को ऑडिट करने के लिए ट्राई के चुने हुए ऑडिटर की नियुक्ति भी करनी होगी, साथ ही खामी होने पर सुधार के लिए थोड़ा वक्त जरूर दिया गया है, लेकिन अगर सुधार नहीं होता है तो इसमें प्रावधान भी हैं आगे दंड के। पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, क्या है ये पूरी खबर और किस किस मायने में ये एक कंज्यूमर के नजरिए से महत्वपूर्ण है? देखिए दीपक, खबर अगर है और कंज्यूमर के लिए तभी वो खबर हम मानते हैं, और ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस की खबर है इसको इस तरह से देखा जाए कि कभी भी अगर आपको आपने प्रीपेड का पैसा भरा था और वो पूरा पैसा अकाउंट में दिखा नहीं, आपकी कॉल हुई लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हुई, पैसे कट गए, आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू एडेड सर्विसेज या कुछ और उसमें से कट जाता है, या फिर कई बार आपका बिल बढ़ के आता है आपके सामने, आपको पता भी नहीं चलता, आप रोमिंग में नहीं होते लेकिन इंटरनेशनल रोमिंग या इस तरह कोई और चीज लग जाती है, और इसकी शिकायत करने पर कई बार टेलीकॉम कंपनियां उसको रिप्लाई नहीं करती हैं, या फिर ऐसा वो कई लोगों के साथ करती हैं और वो क्वांटम भले हमारे लिए 2 रुपए या 3 रुपए का हो लेकिन एक बड़ा अमाउंट एक लोकल जो सर्विस प्रोवाइडिंग एरिया है उसमें एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। इस सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और अब जाकर वो नियम भी जारी कर दिया है जहां पर मीटरिंग और बिलिंग को लेकर ज्यादा सख्ती दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राई ने कहा है कि हमने एक ऑडिटर्स का पैनल चूज किया है और कंपनियों को 31 मार्च तक इनमें से एक ऑडिटर चुनना पड़ेगा, वो ऑडिटर उनके पूरे बिलिंग और मीटरिंग सिस्टम का एनालिसिस करेगा, अगर उसको लगता है कि कहीं कोई खामी पाई जा रही है तो उसके लिए स्पष्टीकरण के लिए समय दिया जाएगा जो कि 15 दिनों का हो सकता है, उस 15 दिनों के भीतर रिटर्न रिप्लाई कंपनियों को देना होगा जी। अगर लगता है कि रिटर्न रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है ट्राई या वो ऑडिटर तो उसके बाद उस पर सघन जांच होगी और गलती पाई जाने पर उन्हें 3 महीने के भीतर उस सारी प्रक्रिया में जो ओवर चार्जिंग की गई थी, बिल में जो हेरफेर की गई थी, वो कंज्यूमर को वापस करना होगा। कॉल के लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो कुल मिलाकर एक कंज्यूमर के लिए उसके राइट्स के लिए एक बड़ी पहल है ट्राई की तरफ से। आगे जाकर क्वालिटी ऑफ सर्विस में इंटरनेट के लिए, कॉल ड्रॉप्स के लिए इस तरह के भी नियम आएंगे उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल एक शुरुआत जरूर कह सकते हैं इसको ट्राई की तरफ से। बिल्कुल, और वाकई में कॉल ड्रॉप और इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें जो ज़्यादा जिस पर ज़्यादा मुखर हैं ग्राहक, उन पर भी जल्द से जल्द नियम आए, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। RBI ने लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब लोन का पूरा भुगतान करने के बाद ग्राहकों को दस्तावेज जो होते हैं जिसके एवज में लोन लिया जाता है उनको वापस पाने के लिए भटकना नहीं होगा। इसे लेकर RBI ने नया नियम जारी किया है। इसके तहत बैंक या NBFC लोन चुकता होने के 30 दिन के भीतर ग्राहक की ओर से जमा कराए गए प्रॉपर्टी के दस्तावेज उसे वापस करने होंगे। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इन्हें रोजाना 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। ये फैसला इसी साल 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। और जी बिजनेस से खास बातचीत में NPCI की COO प्रवीणा राय ने कहा कि UPI पेमेंट सिस्टम SME के भी बहुत काम आ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वेरिफाइड मर्चेंट्स के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाई गई है। बातचीत में उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। NPCI ने UPI से पेमेंट सिस्टम में एक रेवोल्यूशन एक तरह से लेकर आए हैं वो, और हमारे साथ है प्रवीणा राय। मैम, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि SMEs के लिए NPCI क्या करने वाला है या क्या कर रहा है? सो UPI एज अ पेमेंट सिस्टम इज अ रिटेल पेमेंट सिस्टम, बट द सेम फंक्शनैलिटी होल्ड्स गुड फॉर SMEs ऑल्सो। व्हेन SMEs हैव टू मेक पेमेंट्स, they can make payments to merchants, other merchants, for services, goods,
and the limits on UPI have also been slowly increased. So earlier the limit was 1 lakh per transaction and now it is 2 lakh per transaction for specific kind of merchants. So the kind of merchants, it's called verified merchants category. So typically the kind of merchants where SMEs will want to make payments have a higher category. And as this grows and as it becomes more popular and relevant, these kind of functionality can be included further to suit the needs of SMEs. But अभी हमने देखा कि बहुत तरह के payment से हम payment systems आए हैं, जैसे कि ATM से हम पैसे निकाल सकते हैं UPI के जरिए, अपने keychain के साथ, अपने ring के साथ NPCI ने एक तरह से क्रांति लेकर आए हैं payment system में. हम आगे और किस तरह के ऐसे you know revolutions देख पाएंगे या कुछ in the pipeline है? So I think that is all already out there in the market, and now it has to grow. Enablement होना चाहिए पहले, उसके बाद users आएंगे, उसके बाद volume आएगा, then we'll see for what is next. Okay, and one last question. 10 billion transactions. Mm-hmm. So is there any new target now? It is a growth. I think last month it was a 58% growth year on year. So we expect that this growth will continue. With the innovations that are happening now. Thank you so much. Thank you. SBI छोटे व्यापारियों को न सिर्फ कोलैटरल फ्री लोन दे रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में उस व्यापारी के प्रोडक्ट और सर्विस भी अपनी वेबसाइट पर ई कॉमर्स पर शोकेस भी करेगा. और इसके अलावा त्योहारी सीजन के लिए भी SBI ढेरों ऑफर्स के साथ तैयार है. SBI के प्लान्स पर बैंक के MD आलोक कुमार चौधरी से खास बातचीत की संवाददाता एकता सूरी ने. मेरे साथ है SBI से आलोक कुमार चौधरी जी. सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि SMEs के लिए स्टेट बैंक क्या इनोवेटिव कर रहा है ताकि जो क्रेडिट लाइन है वो आसान और कोलैटरल फ्री हो. देखिए, SMEs के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो जैसे भारत सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, जैसे PSB ऑनलाइन या जन समर्थ पोर्टल, उस पर जितने भी प्रपोजल्स आते हैं लोगों को भी उस साइट पर जाने के लिए बोला जाता है ताकि उनका काम काफ़ी आसानी से और तेज़ी से हो जाए. तो डिजिटल सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कराना लोगों को और उन्हें ये बताना कि इससे काफ़ी आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध है, ये काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है. दूसरा क्या है कि अपने जो स्टेट बैंक की सिस्टम्स हैं उसमें अंडरराइटिंग, जो बोलते हैं लोन देने की प्रक्रिया, उसको भी ज़्यादा सहज ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमारे बिजनेस रूल इंजिन्स को हम लोग लगातार उसका विकास करते रहते हैं ताकि लोगों को कोलैटरल की नहीं, उनकी जो बाकी और भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके आधार पर उनकी एक रैंकिंग हो और उन्हें गो नो गो जैसा एक सिस्टम मिले कि इन्हें लोन दिया जा सकता है या इन्हें लोन नहीं दिया जा सकता है, तो इसके लिए और क्या करेंगे ताकि लोन दिया जा सके. आम लोगों की अगर हम बात करें, फेस्टिव सीज़न आ ही चुका है, शुरू हो चुका है, तो किस तरह की ऑफर्स SBI लेकर आएगा? वो मेरे ख्याल से वो ऑफर्स की जो बात है, आप हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ऑफ़र्स दें ताकि मार्केट में जो ऑफ़र्स मिल रहे हैं, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में आप देखेंगे कि जितने भी बैंक्स हैं कुछ ना कुछ ऑफ़र निकालते हैं, तो हम इस तरह के ऑफ़र देंगे ताकि हमारे कस्टमर्स को ये फील नहीं होगा कि हमारा बैंक नहीं दे रहा बाकी दे रहा है. तो हम व्यवस्था के साथ चलने की तैयारी करते हैं. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. बाजार आज शानदार तेजी के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा चढ़कर 67,000 के पार बंद हुआ. वहीं निफ्टी में 77 अंकों की बढ़त रही, जबकि बैंक निफ्टी करीब 400 अंक उछलकर 45,909 के स्तर पर क्लोज हुआ. बाजार की जोरदार तेजी में सरकारी बैंकिंग शेयरों ने खूब जोश भरा. आम मुंबईकर्स को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलने वाली है. जी हां, लोअर परेल ढिलाय पुल का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया है और अब ये आम लोगों के लिए 18 सितंबर से खोल दिया जाएगा. हालांकि पुल के दूसरे हिस्से को खोलने में अभी 1.5 से 2 महीने का वक्त और लगेगा. हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए. इस समय मैं लोअर परेल के ढिलाय रोड ब्रिज के ऊपर हूँ. आपको मैं बता दूं कि जी बिजनेस में इस ब्रिज के 5 साल से ना बनने के चलते एक मुहिम शुरू की थी, जिसका असर है कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ब्रिज का जो काम है, जो एक हिस्से का काम है, वो अपने अंतिम चरण पर है.
बीएमसी अधिकारी के माने तो ये ब्रिज 18 सितंबर यानी कि गणेश उत्सव के पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा इसका ये एक हिस्सा, जबकि दूसरा हिस्सा है वो अगले कुछ दिनों बाद शुरू होगा। मैं आपको बता दूं इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये वो ब्रिज है जो सात रास्ता से आता है और सीधे प्रभा देवी और लोअर परेल का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पहुँचता है। ये जो पश्चिमी इलाका लोअर परेल का है ये खास तौर पे कॉरपोरेट जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जगत के ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो काम करने आते हैं और जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्रिज के ना होने से यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि 45 से 50 मिनट तक भी लगता है, उससे ज़्यादा भी लगता है ट्रैफिक के चलते। लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद आपको मैं बता दूं कि करीब 2 से 5 मिनट के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये ब्रिज मुंबईकरों के लिए एक राहत भरी जो है खबर लेकर के आएगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हाईटेक हथियारों की क्षमता लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। जमीन से लेकर आसमान तक आतंकियों पर पैनी नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने 4 पैनों वाले म्यूल रोबोट से लेकर नैनो ड्रोन तक को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर ली है। लेकिन कैसे, पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। सीमा पार दुश्मन की हरकत पर नजर रखने वाले 4 पैरों वाले रोबोट म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट जो सीमा पर तैनात होने को तैयार हैं। इसकी खासियत ये है कि दुश्मन की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को ठिकाने लगाने में माहिर है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी में भारतीय सेना ने रोबोट म्यूल को पहली बार दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसकी ये बेहतरीन तस्वीर जो है वो दिखाता है। अब बात दुश्मन पर आसमान से आफत बनकर बरसने को तैयार नैनो ड्रोन की, जो हथेली से 10 सेकंड के अंदर हवा में परवास करने में सक्षम है और सैन्य अभियानों में दुश्मन पर मौत बनकर बरसने के लिए तैयार है। IIT जम्मू नागरोटा में आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम में ड्रोन प्रौद्योगिकी के नए इनोवेशन को प्रदर्शित किया गया, जिसमें ड्रोन के कई अत्याधुनिक मॉडल्स शामिल किए गए। ये ड्रोन 250 से 350 ग्राम के बीच है और ये 30 मिनट तक आसमान में रह सकते हैं। फिलहाल भारतीय सेना इनका उपयोग आतंकी ठिकाने पर पहुंचने और आतंकवादी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कर रही है। ये ड्रोन ऊंचाइयों में 23,000 फीट तक पहुंच सकते हैं और इनका काम ऊंचाई पर जाकर पहाड़ी इलाकों में दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए है। खास बात यह है कि इन्हें फोल्ड किया जा सकता है, ये बैग में फिट हो सकते हैं। इसके अलावा ये 3 किलोग्राम तक के वजन की कोई भी चीज दूर तक पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ लगी सरहद में चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं क्योंकि निगरानी के बावजूद खराब मौसम, अंधेरे और पहाड़ी का फायदा उठाकर घुसपैठिए देश के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सेना में तैनात इन हाईटेक कवच की तैनाती के बाद सरहद पर ऐसा सुरक्षा घेरा बनेगा जिसे पार करना आतंकवादियों के लिए मौत को दावत देने से कम नहीं होगा। रजत वोरा, जी मीडिया, जम्मू। और मुंबई में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं, ऐसे में भक्त अपने बप्पा की मूर्ति के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली मूर्तियों की है। देखिए सौरभ पांडे की रिपोर्ट। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जारी है, ऐसे में सभी भक्त जो है अपने आराध्य की आराधना करने के लिए मार्केट में निकले हैं ताकि वे अपने फेवरेट बप्पा की खरीदारी कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे ही कार्यशाला में और आपको अपने विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है मूर्तियों पर काम जारी है। और सभी जो मूर्तिकार हैं उनका कहना है कि कई तरह की मूर्ति हैं जो डिमांड में है। आइए सीधा बात करते हैं जो कार्यशाला के लोग हैं उन्हीं से। दादा, किस प्रकार की जो गणेश मूर्तियाँ हैं वो इस बार डिमांड में आई है? साल डिमांड में आई है इको फ्रेंडली मूर्तियाँ, क्योंकि सरकार के थोड़े सरकार ने कहा है कि इको फ्रेंडली मूर्तियाँ देखो, करने की कोशिश करो। वो प्रकार से लोगों का भी उसके ऊपर ध्यान है, लोग भी नेचर के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ले रहे हैं और ज़्यादा फोर्स इको फ्रेंडली मूर्ति का ही है जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो भक्त जन है वो भी जो है एक पर्यावरण के हित में सोचकर अब जो है इको फ्रेंडली मूर्तियों का रुख कर रहे हैं, अगर बात की जाए इसके अलावा
तो कई सारे गणपतियों की मूर्तियां हैं जिसमें गणपति जी को जो है फेटा पहनाया गया है, जिसमें पेशवा कोली और कई तरह की जो मूर्तियां हैं वो भी देखने को मिली हैं। इसके साथ ही अगर बात करें अन्य रूपों की तो कृष्णा जी के रूप में और बाल जो है बाल गणेश के रूप में भी देखा गया है। खासकर मूर्तियां जो है वो तैयार की जा रही हैं। छोटी गणपतियों के साथ साथ जो है बड़ी गणपतियों की भी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा उभर कर आई हैं और जो भी मूर्तिकार हैं उनका कहना है कि सारी जो डिमांड है वो पूरी तरह से समय पर कर दी जाएंगी और जितने भी मूर्तियां हैं वो लगभग तैयार हैं और बस इंतज़ार है तो सिर्फ गणेश चतुर्थी का, ताकि बप्पा सही सलामत विराजमान हो सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ सिद्दीकी के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।